हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं जाजिब। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं वो है काफी पॉलिटिकल करेक्टनेस। ये एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियंस की ना थोड़ी लत लग गई हमें, क्योंकि लग गई, मजा आता है वीडियो देखने में। तो एक और स्टैंड अप कॉमेडियन और ये हैं अभिजीत गंगोली। आई थिंक एक और वीडियो हमने देखी हुई है इसकी, हमने नहीं देखी। नहीं, मैंने तो नहीं देखी होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं इसे भी। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है स्टैंड अप कॉमेडियन से मेरी, और हमेशा पूरी हुई है अभी तक। लेट्स सी, 1 2 3 गो। इस वीडियो को अच्छा, ये बंदा काफी आजकल ऐसे ना, कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो गया हम पे अच्छा इंसान बनने का। ज्यादा ही प्रेशर, कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं पता चल गई है। ये सुबह उठ रहा दूध लेने जा रहा है, पॉलिथिन मत ले जा, पॉलिथिन मत ले जा। वर्सों में टटल के नाक पे टकता रहता है। घर आया फिर ऐसे सोशल मीडिया खोलो, ट्विटर पे कोई लड़की पूछ रही कि हैव यू फॉट अगेंस्ट पैट्रियार्की टुडे। मतलब नहीं, अभी तक तो ब्रश भी नहीं किया। चल कहाँ भाई, पापा को फोन करके गाली दे तो कुछ तो। फिर एसी चला रहा हूँ। नहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है यार, एनवायरमेंट अनटॉक्ड है। एस्किमो के घर पे कर रहे, वो लोग सोचे यार अंधेरी वाले लड़के ने फिर से एसी चला दिया। नहीं कर सकते भाई, वो भी नहीं कर सकते। वैसे चलो यार बाहर जाते हैं। हाँ बाहर चले तो बाहर से, पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से नहीं, फिर से ग्लोबल वार्मिंग अनटॉक्ड। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो। हाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैर फैला के नहीं बैठ सकते, पैर फैला के मैन स्प्रेडिंग हो जाती है वो, तो पैर जोड़ के बैठना। पर कुछ है ना बीच में, कुछ है तभी तो। नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे जोड़ उछल के ऊपर आ जाए। चलो यार कोई फर्क फाइट नहीं है। और एक काम करते, बाहर जाते दोस्तों से मिलेंगे, एक दूसरे की मारेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे। सही है। और आज का वेट बहुत बड़ा है, वहां से उसके तोंद पे टुंग टुंग करके करेंगे, बड़ा मजा। नहीं, फैट शेमिंग इज रॉन्ग, फैट शेमिंग इज रॉन्ग, यू कांट डू दैट। चलो वो भी नहीं कर सकते। कोई नहीं यार, शानू की इंग्लिश का मजाक उड़ा लेंगे, वो बड़ी फनी इंग्लिश बोलता। कल बोल रहा था मेरी चाय की कैटल गिर गई। चाय की कैटल होती है, कैटल तो गाय होती है। नहीं वो कहीं कर सकते, दैट्स क्लासेस, यू कांट डू दैट। अच्छा यार एक काम करते, किसी कैफे में बैठ जाएंगे, वहीं पर बैठ के कोल्ड कॉफी पी लें। हाँ वो कर लो, वो कर लो। बट उस कैफे में जाना जिसमें स्ट्रॉ नहीं हो, और स्ट्रॉ वापस वो टटल के नाक में अटकता रहता है वर्षों वाले। अरे क्या चूतिया टटल है, देख के तैर ना तू, सामने तेरा स्ट्रॉ घुस के रहे उधर, मुड़ जाना साइड में हमसे। तुम सर आप कभी दिक्कत हुई नाक में स्ट्रॉ अटका आपके, तो टटल है, टटल वाली हरकतें कर, गद वाली हरकतें क्यों कर रहे बैठ के। नहीं खरगोश से रेस जीत सकता है, यहाँ से एक स्ट्रॉ नहीं वर्ड किया जा रहा तुमसे। कुछ भी चलो, फैट शेमिंग। अरे यार मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ेगा तो उन्हें पतले होने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही तो होते, मेरा वेट बढ़ा था, लोगों ने आके बोला थुल 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 थुल, मैं घर जाके रोया, फिर अगले दिन जिम ज्वाइन किया। कुछ कर ही नहीं सकते, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, मिसअप्रोप्रिएशन, नॉर्मलाइजेशन, प्रेवलेंस ऑफ प्रिविलेज। ऐसा लगता है शशि थरूर बैठ के बना रहे हमारी प्रॉब्लम्स। कहाँ से आ रहे भाई ये सब, इंडिया के प्रॉब्लम्स ये सब है ही नहीं। इंडिया के प्रॉब्लम्स बड़ी बेसिक वाली है, इंडिया के प्रॉब्लम्स है भूखमरी, पॉवर्टी, बवासीर, बवासीर इंडिया की प्रॉब्लम। यंग यंग वो पता ही नहीं बवासीर क्या होता है, वो साउथ बॉम्बे में तक पहुंचा ही नहीं, वो मलाड में रुक गया है। क्या ढूंढी है बीमारी, कॉन्स्टिपेशन को कहते हैं, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। कॉन्स्टिपेशन, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हर दिन में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। अभी फ्री द निप्पल चल रहा है, फ्री द निप्पल सुना, फ्री द निप्पल सुना होगा, फ्री द निप्पल तुम लोगों का पॉन की कैटेगरी होती होगी। वेबसाइट चल रहा है अभी भी। Free the nipple is this movement that's going on, that some people are saying that men are allowed to show their nipple on social media, but women are not allowed to show their nipple on social media. That's classified as nudity. That is wrong. Women should also be allowed to show their nipple. ये किसकी problem चल रही है बे? हमारे हैं कितने दोस्त जो बैठ के nipple दिखाते फिर रहे यार? यार मेरे सोशल में किसी का nipple देखा, मूड ही खराब हो यार, नहाना पड़ेगा वापस यार मुझे।
मतलब मेरी सोसाइटी में अंकल लोग लूलू इल फिटिंग बनियान पहन के घूमते रहते, उनके देखे मेरे को लगता है फ्री द निपल प्रॉब्लम नहीं, हाइट द निपल प्रॉब्लम है यार। कुछ भी चल रहा है यार, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम ही चल रही। किसी लड़की का केस नहीं बोल सकते थे, वो मिसोजिनी हो जाता था, चलो ठीक है मान लेंगे। अब बोले लड़कों के केस भी नहीं बोल सकते, वो भी मिसैंड्री है। अरे लड़कों के केस बोलो ना, हमें खुद पसंद है यार, हमें मजा आता है एक दूसरे का केस सुनने में यार। मैं इसकी अगर लूं ना, पता है इसके सबसे ज्यादा खुश कौन होगा इस कमरे में? इसका खुद का दोस्त। बाकी को यार हमें पसंद है भाई, सही बात, हमें करने दो यार, करने दो। कुछ भी कॉन्सेप्ट, एजिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, नो एजिज्म, लाइक यू कैन नॉट मेक अ पर्सन फील वियर्ड अबाउट दैट एज। बूढ़े इंसान को बूढ़ा नहीं बोल सकते, छोटे आदमी को छोटा नहीं बोल सकते। अरे पॉलिटिकल करेक्टनेस ठीक है, बट मतलब कुछ ऐसे तो लोगों को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे हम। वहां जा रहा है कोई, कौन जा रहा है? इंसान जा रहा है। अरे पर लड़का है, लड़की है, काला है, गोरा, मोटा, कुछ तो बोल, क्या दिख रहा है तुझे? मुझे तो बस इंसानियत दिख रही है। थैंक्स फॉर ऑल द जेमेन, दैट्स इट। यार इंसान जा रहा है, वही कह रहा ना कि मतलब आप मोटा नहीं बोल सकते, पतला नहीं बोल सकते, बूढ़ा नहीं बोल सकते, एजिज्म आ गया तो बस क्या करे वो बंदा। सही बात। अच्छा ये फ्री द निपल वाली बात तो बड़ी अजीब सी लगी मुझे वो यार, मतलब अब मुझे नहीं पता ये किन ए लोगों का इशू है या कौन लोग इस पे स्टैंड करें, लेकिन हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मतलब फ्री द निपल राइट, इस तरह के इश्यूज हमारे इश्यूज नहीं है, हमारे इश्यूज और हैं, तो हमें उन पे फोकस पहले करना चाहिए। ये अजीब, अच्छा ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बाकी जो स्टार्ट किया था ना वो फनी था, पॉलीथीन वाला के प्लास्टिक बैग्स ये यूज़ नहीं करने, तो ये तो अभी ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो एनवायरनमेंट को, क्योंकि नुकसान होता है इससे, ये डिग्रेड नहीं होते। उसके बाद एसी ऑन नहीं करना, उससे प्रॉब्लम होता है। फिर आप गाड़ी अपनी ना यूज़ करें क्योंकि आप फ्यूल कंजम्पशन करेंगे, ये एनवायरनमेंटल नुकसान है, इससे बेहतर है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो बचत करें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, वो सारी बातें ठीक थी। उसको थोड़ा फनी वे में लेके गया, वो ठीक है। बाकी ही इज़ राइट, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ ना इस साइड पे जा रहे हैं, नॉन इश्यूज़ इश्यूज़ बनते जा रहे हैं, तो थोड़ा ये हमारी, मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी इस तरह से हम डिवेलप कर रहे हैं, हम वेस्टर्न साइड पे बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं, उस साइड को बहुत आइडियलाइज कर रहे हैं, तो आँखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर दिए ना, तो आँखें बंद करके किसी भी साइड को फॉलो करेंगे तो नुकसान होगा। ये खासतौर पर एक दो जो इससे मैं बातें थी वो वहाँ से आ रही हैं। वो यही कह रहा था ना कि लड़कियों का तो चलो समझ में आता है, लड़कों वाला क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, मतलब अब स्टैंड अप कॉमेडियंस ये जो है इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जो सोशल इश्यूज हैं, जो हमारे इर्द गिर्द की ही बातें हैं, उन्हीं को ये बड़ा फनी वी में हम तक पहुंचाते हैं, और हम इन बातों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मतलब ये एक इशू है जो उसने हाईलाइट किया कि हम, हमारे इश्यूज वाकई ये नहीं है, हम किसी और साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि जो हम, हमारी सोसाइटी है इस रीजन के लोगों की, फैमिली बॉन्ड्स और हमारे जो वो एक है ना एक सोसाइटी सिस्टम, वो बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग सोसाइटी सिस्टम और बड़ा बेहतरीन है वो, लेकिन हम लोग किसी और साइड पे जा रहे हैं, तो इश्यूज बनते जा रहे हैं। अब ये एजिज्म वाली पहले कभी बात सुनी, एजिज्म वाली, यहाँ तो मुझे लगता है लड़कियों में तो होती है ऑब्वियसली, वो तो वो कहते हैं ना कोई एक बस में बंदा जा रहा था, तो दो लड़कियाँ सीट पर लड़ रही थी कि मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी, तो उसने कहा यार मैं इनको मसला का सलूशन बता देता हूँ। मैंने कहा बात सुने, आप दोनों में से जो बड़ी हैं वो बैठ जाएं, जो छोटी हैं वो उनकी रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाएं। कहता है एक घंटे तक कोई नहीं बैठी दोनों में से। तो लड़कियों में तो ये चीज होती है, हमारे यहाँ इधर किसी आंटी को लड़की बोल दो तो बस वो लाल पीली, और किसी लड़की को आंटी बोल दो तो तो मतलब लेडीज में ये चीज पाए, मर्दों में भी होता है कुछ लोग में, मतलब अगर आप किसी जो मीडियोकर ये जो एज होती है ना 25 to 30 वाली, अगर उसमें आप किसी को अंकल बोल दो तो वो माइंड कर जाते हैं, कहते हैं अभी तो मैं लड़का हूँ, तो लड़के इतना माइंड नहीं करते, लड़कियां तो वो उसने बोला ना कि लड़कों को, वो कह रहा था ना कि अगर कोई बंदा बैठा है मैं उसकी लूंगा तो उसका दोस्त खुश होगा। सही बात है, मतलब हम लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है चलेगा भाई, लड़कियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हेयर इट वाज फनी और अच्छा लेसन था इस साथ साथ, इसमें बहुत मजा आया वीडियो देख के, अच्छा कॉमेडियन था, पहली दफा देखा मैंने तो पसंद आया मुझे। सो आप लोगों को क्या टेक है इस सारे इशू पे जो हमने इतना भाषण झाड़ा है,
उस पर आपका क्या भाषण है, कमेंट करके आप अपना भाषण जा रहे हैं हमारे साथ डिस्कस करें आपको क्या लगता है। और मजीद कोई मज़े की वीडियो आपने देखी हो तो हमारे साथ शेयर करना मत भूलें, कमेंट में सजेस्ट करें। थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन कोशिश करेंगे कि आप ज़रूर रिएक्शन दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मजीद इस चैनल पर इस भाई की मजीद वीडियो देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें, ये चीजें लाजमी क्लिक किया करें ताकि हमारी अपडेट्स आपके पास आती रहे। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब पहले किया हुआ है तो दोबारा नहीं करना, वन सब हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी सजेशन देते रहा करें अपने, आपके इंटरेक्शन से हमें हौसला मिलता है, कमेंट करते रहा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।